हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। रूट एट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रूव किया था रूट फाइव इज इरेशनल, तो वो क्या था, सिंगल। मैं आपको बता दूं, इसमें दो तरह के क्वेश्चन है। एक वैसा क्वेश्चन जो सिंगल रहते हैं, जैसे रूट फाइव, रूट टू, रूट थ्री, ऐसे ऐसे सिंगल सिंगल क्वेश्चन। और एक ऐसा क्वेश्चन जो प्लस में हो, डिवाइड में हो, माइनस में हो, जैसे ये देखिए, ये एक क्वेश्चन प्लस में आ गया। चाहे कुछ ऐसा क्वेश्चन 1/√2, ये डिवाइड में है। चाहे कुछ ऐसा क्वेश्चन 7√5, ये सब क्या क्वेश्चन, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में दो तरह के क्वेश्चन है, एक सिंगल सिंगल वाले और एक थोड़े प्लस माइनस डिवाइड वाले रूप में रहेगा। ठीक है, तो सिंगल वाले क्वेश्चन को मैंने रूट फाइव को सॉल्व कर दिया है पिछले वीडियो में, रूट टू रूट थ्री उसी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आए प्लस में, ये चाहे डिवाइड में चाहे इंटू में, ऐसा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वो आज हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन की मदद से। ठीक है, तो देखिए चालू करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन, फिर से वही बात लिखी। कौन सा बात, वही बात जो हमने उस क्वेश्चन में किया था। क्या लिखेंगे, लेट 3 + 2√5 इज रेशनल विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। जैसा पिछला वीडियो में हमने किया था, इसमें भी वही लैंग्वेज लिखना ऊपर का, फिर बीच में कुछ मैथ्स है और फिर लास्ट में कुछ लैंग्वेज है जो हमने पिछले वीडियो में किया था, सेम वही है। बस देखिए दोस्तों डिफरेंस क्या है दोनों क्वेश्चंस में। उस क्वेश्चंस में हमने बीच में जो मैथ्स किया था वो थोड़ा लंबा था, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में जो प्लस में है, डिवाइड में है, गुना में है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए दोस्तों मैं बता दूं कि बीच में जो मैथ्स है वो बहुत छोटा सा है, आपको आसान बनेगा। ठीक है, तो देखिए मैथ्स क्या है, क्या किया हमने, इतना को रेशनल नंबर माना जिसको किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में, तो हमको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देयरफॉर 3 + 2√5 p/q लिख दिया हमने। उसमें क्या किया था, जब रूट फाइव बराबर p/q लिखा था तो हमने स्क्वायरिंग रूल सेट किया था, यहां पर वो काम नहीं करेंगे। यहां पर क्या करेंगे, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में जब भी ऐसा क्वेश्चंस आ जाए, प्लस वाला, डिवाइड वाला या गुना वाला, तो वैसे किस में याद रखिएगा, आपको एक साइड रूट वाले को छोड़ देना है और बाकी जो भी संख्या है, जो भी कुछ हो, आपको सारे दूसरे साइड में ले जाना। ठीक है, तो यहां पर देखिए इधर लेफ्ट साइड में रूट वाला कौन है, सिर्फ रूट फाइव है, तो बाकी हमको 3 और 2 को कहां, उधर ले जाना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 को ले जाएंगे, 3 यहां पर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, 2√5 बराबर p/q माइनस 3। उसी प्रकार 2 को भी ले जाना होगा तो रूट फाइव बराबर क्या हो जाएगा, p/2q माइनस 3/2, दोनों के नीचे 2 ले आए, डिवाइड ही हो रहा है। ठीक है, बस इतना करने के बाद इसमें इतना ही मैथ्स, उसके बाद फिर वही नीचे वाला लाइन जो हमने लिखवाया था इतना उतार लीजिए, फिर लाइन्स लिखवा देंगे मिटाकर। तो देखिए इसके बाद लैंग्वेज क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे सिंस पी सो वी कंक्लूड दैट थ्री प्लस 2√5 इज इरेशनल। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या क्या किया हमने, ऐसे क्वेश्चंस में बता दूं क्या क्या करना है। पहले वो करना है क्या, जो भी रहेगा उसको रेशनल मान लेना है, p/q के फॉर्म में लिख लेना है, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर यहां पर मैथ्स में क्या करना है आपको, देखिए कोशिश करना है सिर्फ रूट वाले को
आप किसी एक साइड के न्यूमरेटर में रख दीजिए, मतलब ऊपर में रख दीजिए, और बाकी सबको उधर भेज दीजिए, उतना ही करना है, ठीक है। उसको करने के बाद देखिए क्या लिखे हमने, सिंस पी एंड क्यू हैव इंटीजर्स वी गेट इतना इज रेशनल। पी और क्यू हम जान रहे इंटीजर है, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, इसलिए हमने लिख दिया ये क्या है, रेशनल है। एंड सो रूट फाइव इज रेशनल, तो जब ये रेशनल है तो ये इसके इक्वल है, तो जाहिर सी बात है जब ये रेशनल है तो ये भी क्या होगा, रेशनल होगा, ठीक है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट रूट फाइव इज इरेशनल, लेकिन हम लोग ने तो प्रूव किया था कि रूट फाइव क्या है, इरेशनल नंबर है। जब रूट फाइव इरेशनल है तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट इतना इज रेशनल। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन प्रोड्यूस हुआ है किसके चलते, हमारे गलती के कारण। हमने क्या गलती किया था कि इसको हमने रेशनल मान लिया था यहाँ पर, ठीक है, इसीलिए हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं, सो वी कंक्लूड इतना इज इरेशनल, ठीक है। तो ऐसे ही है, आप लैंग्वेज को दो तीन बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा, इसी लैंग्वेज को फॉलो करके हर क्वेश्चन को बनाना, देखिए।